आज हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक की। उस पुस्तक का नाम है शिक्षकों से। गिजू भाई ग्रंथमाला के अंतर्गत ये पुस्तक, जो नए शिक्षक हैं खास तौर से, ज्वाइन किया है, उनसे विशेष तौर से ये बहुत कुछ कहना चाहती है। उनके निजी अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, अपने स्वयं के विद्यालय में, और बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें को बच्चों के साथ किस तरह से काम करना। उनका जन्म जो है 15 नवंबर 1885 को हुआ, चितल जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है, वहाँ दक्षिणामूर्ति भवन भावनगर भावनगर के पास उनका हुआ। और इनकी जो उच्च शिक्षा है ऐसा इनके जीवन में जो शुरुआती दौर था, जो शिक्षा इन्होंने वो काफी यातनापूर्ण थी। मेरे कहने का मतलब यातनापूर्ण से मतलब काफी सारा उस विद्यालय में ऐसे दंड का प्रावधान था, जिनका अध्ययन करते हुए इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा इन्होंने बंबई से प्राप्त की। ये वहीं दक्षिणामूर्ति भवन भावनगर गुजरात में ही कानूनी सलाहकार के पद पर ये नियुक्त किए गए, लेकिन ये समय तक क्योंकि इनका मन उस शिक्षा, जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी, उस शिक्षा के प्रति इनकी ये सोच थी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ। जो यातनापूर्ण तरीके से आपकी शिक्षा चल रही है, मैं आमूलचूल परिवर्तन के लिए मैं कुछ करूँ। और उसी के संदर्भ में इन्होंने 1920 में वही बाल मंदिर की स्थापना की। बाल मंदिर जो था इनके बाल शिक्षण का केंद्र था, और मुख्य रूप से इन्होंने बाल शिक्षण मतलब छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा। ये बाल मंदिर इनकी शैक्षणिक प्रयोगशाला रही, वहाँ इन्होंने बच्चों के साथ में नए नए प्रयोग किए। 1916 से लेकर 1936 तक इन्होंने बाल शिक्षण जो केंद्र था इनका बाल मंदिर, उसमें बहुत सारी इंद्रिय विकास के खेलों का इन्होंने ऐसे ऐसे खेल इन्होंने बनाए जिनसे हमारी इंद्रियों का बहुत अच्छे से विकास हो। शांति क्रीड़ा, शैक्षणिक भ्रमण, ये जो हम शैक्षणिक भ्रमण का जो हाथ की काम अर्थात आर्ट वर्क, जिनको हम बच्चों के साथ अनुपयोगी सामग्री से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना, कोई ज़्यादा बाजार की चीज़ों का उसमें उपयोग नहीं हो, जो उपस्थित हो हमारे आसपास के परिवेश में, उन्हीं चीज़ों को लेकर के ऐसी बहुत सुंदर एक कलात्मक आकृति चित्र उनका निर्माण करना, ये देन गिजू भाई बदेकर। संगीत को अपनी शिक्षा में लेना, नाटक और भी बहुत सारे रचनात्मक कार्य इन्होंने अपने बाल मंदिर में प्रयोग में लिया। इनको हम बाल शिक्षा शास्त्री भी बेहतर ढंग से कह सकते हैं, शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक। इसके साथ ही इनको एक उपनाम और दिया गया, प्रयोगवीर शिक्षक। इन्होंने इतने नए नए प्रयोग प्रयोगवीर शिक्षक कहलाए, बाल साहित्य के ये प्रणेता कहे जाते हैं। और गुजराती भाषा में इन्होंने 200 से अधिक बाल पोथी बनाई, जो बच्चों के बाल साहित्य उसको हम कहते हैं। बच्चों के लिए ही नहीं, इन्होंने अभिभावकों के लिए भी बहुत सारी सामग्री का निर्माण किया, जिनको पढ़कर के अभिभावक लोग भी ये समझ सकें कि हम बच्चों को बेहतर जीवन जीने में
या बेहतर शिक्षा देने में हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। एक अध्यापक और विद्यालय और अभिभावक, इन तीनों का समायोजन करते हुए हम बच्चे को कैसे विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपने साहित्य में लिखी है। मुख्य रूप से इन्होंने बहुत सारे शिक्षण पत्रिकाओं का संपादन भी किया और मुख्य रूप से ये बच्चों की जो आज़ादी है उसके समर्थक थे। ये मानते थे कि बच्चे आज़ाद रहकर के अच्छा सीखते, स्वतंत्र रहकर के अच्छा सीखते, खुद से अच्छा सीखते, बजाय डांट डपट के और डर के, इनसे ज़्यादा वो लाड प्यार से सीखते, ऐसा इनका मानना। इन्होंने अपने जो बाल मंदिर है उसको खुशियों का संसार कहा। इन्होंने मोंटेसरी और किंडर गार्डन इन पद्धतियों पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सबसे अधिक इन्होंने चरित्र निर्माण पर जोर दिया। इन्होंने शिक्षकों से ये कहा कि अगर हम बच्चे के चरित्र उसके नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो पढ़ाना और भी सार्थक होता है। अगर उसमें नैतिक शिक्षा उसको मिलती है तो हम अधिक सफल कहला पाते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, आदर, दया, त्याग, परोपकार, ईमानदारी, सद्भाव, मैत्री, भाईचारा, परिश्रम, सहयोग, सहकार, इस तरह के जो उच्च मानवीय गुण हैं, उन उच्च मानवीय गुणों के विकास हेतु जीतूभाई बड़े का बहुत ही अच्छा अपना साहित्य लिखा है और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र को बहुत ही मधुर व्यवहार के साथ में छात्रों का विश्वास जीता जा सकता है, इस प्रकार की उन्होंने सोच के साथ में कार्य किया। गिजू भाई बदेका जी महात्मा गांधी जी के समकालीन थे, तो गांधी जी ने इनके बारे में एक बात कही, गिजू भाई के विषय में मैं लिखने वाला कौन हूँ, उनके कार्यों ने तो मुझे सदैव मुग्ध किया है, मुझे दृढ़ विश्वास है उनका कार्य आगे बढ़ चलेगा। उनका कार्य देख करके गांधी जी ने ये शब्द कहे थे। और मैं ऑल ओवर अगर बात कहूँ तो जो काम राजनीति में गांधी जी ने किया वही काम शिक्षा के क्षेत्र में गिजू भाई बदेका जी ने किया, तो हम बहुत ऋणी हैं बदेका जी के। इन्होंने कुछ जो अपना पुस्तकें हैं, ग्रंथमाला है इनकी, जो अभी 14 हो चुकी है, जिनमें से मैं 5-7 को अध्ययन कर चुका हूँ। बाकी उनके नाम है दिवा स्वप्न, बहुत अच्छी पुस्तक है शिक्षकों के लिए, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति, जिसमें पूरा मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का वर्णन दिया गया है, किस तरह बच्चों पे ये काम किया जाता है, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षण जैसा मैंने समझा वैसे शिक्षकों से। बच्चों के साथ साथ इन्होंने शिक्षकों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, अर्थात इनको शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस तरह की इन्होंने बहुत सारी बातें करी है। चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, माता पिता से, हाँ अभिभावकों के लिए भी इन्होंने साहित्य लिखा है, जिनमें अभिभावकों को ये कहा गया है कि बच्चों के साथ आप इस तरह का बिहेव करें, इस तरह का व्यवहार करें, विद्यालय आने से पूर्व आप बच्चों के साथ में ये तैयारी करें, विद्यालय से जाने के बाद अभिभावक इस तरह की बच्चों के साथ में रिहर्सल करें, तो बेशक बेहतर शिक्षा वो बच्चा पा सकता है। माँ बाप बनना कठिन है, माता पिता के प्रश्न और माता पिता की माथा पर, तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथमाला है गिजू भाई की बहुत अच्छा ही साहित्य है हम सब शिक्षकों के लिए। तो मैं ये चाहूँगा ये जो पुस्तक है ये सभी शिक्षकों को एक बार इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। सर गिजू भाई बदेका जी का एक छोटा सा जीवन परिचय मैं अपना परिचय दूँ। रामचरण शर्मा, अध्यापक, GSS बेंगलोर, ब्लॉग निवाई,
हिंदी लेवल सेकंड के सत्र में वहाँ कार्यरत हूँ। मैं निष्ठा में केआरपी के रूप में भी काम करता हूँ, हिंदी विषय से मैं इसके साथ साथ मुझे बच्चों के साथ में जैसे आप आर्टिकल्स कह सकते हैं, उन टॉपिक्स में एक टॉपिक्स को लिखा है वो टॉपिक क्या मैसेज देता है उस पर हम चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक जिज्ञासा पैदा करूँगा कि आप इस पुस्तक की ओर आकर्षित हों और इस पुस्तक को आप पढ़ने। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना दिमाग। कहते हैं कि बच्चे अर्थात कोई भी काम करना हो पूछ, लेकिन जीजू भाई पटेलका जी ये मानते हैं हर कार्य पूछ के पूछ करके अगर करता है है वो कम, अर्थात उसका मानसिक विकास कम होता है। जो करके करता है वो अपने मन से नहीं करता, वो अपने मन से करता। जब अपने मन से हेलो, तो हम बात कर रहे थे सर पहले आर्टिकल की, जो लिखा है अपना दिमाग लगाओ। अर्थात गिजू भाई बदेका ये कहते हैं, ये मानते हैं कि बच्चे अगर अपना दिमाग उपयोग में लेते हैं, अर्थात अपने दिमाग के अनुसार वो समझ, अपनी समझ के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो जाता। जैसे कोई भी चीजें, किसी भी चीज के लिए वो पूछ पूछ करके कार्य करते हैं, तो कार्य उतना ही करेंगे जितना वो पूछ रहे हैं, जितना उनको दिया जाता है, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे। तो बदेका जी कहते हैं कि बच्चों को अपना भी दिमाग लगाने दिया जाए, उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें और अपना, अपने दिमाग से उनको उस प्रश्नों का हल करने दें या उनके द्वारा जो चाही गई विषय वस्तु है उस पर उनको मंथन करने दें, सोचने दें, विचार करने दें, और हर बार पूछने के लिए उनको एक तरीके से ये करेंगे, बार बार अपने दिमाग से काम करो। कोई भी ऐसा लगता है कि भी ये चीज अपने दिमाग से कैसे करते हैं, जहां भी हमको अवसर मिलता है, तो बच्चों को हमें ऐसी प्रेरणा देनी है कि वो अपने दिमाग से काम करें। दूसरा आर्टिकल आता है सुवाचन। वाचन को लेकर के भी बदेका जी ने छोटे बच्चों के बारे में बहुत अच्छा बताया है। आदर्श वाचन हम सब जानते हैं, आदर्श वाचन हम किस तरह करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ और विशेष बात ये जोड़ी है कि भाव प्रकट होने चाहिए। आप जो भी वाचन कर रहे हैं, आप जैसा आदर्श वाचन कर रहे हैं, उसमें अर्थ की समझ
आपके भाव प्रकट करने के साथ साथ हो जाती है। अगर आप भाव प्रकट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्थ समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, और खासकर छोटे बच्चों के लिए। रसिकता, भाव जो प्रवीणता है, वो सुवचन के लिए बहुत जरूरी है। अर्थात वाचन भी एक कला के रूप में हम देखते हैं, वाचन करना भी एक बहुत कला के माध्यम से समाप्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पुस्तक में कही है बदेगा जी ने, रंगों से परिचय। हमको विभिन्न प्रकार, छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, खासकर से 1 से 5 प्राथमिक वर्ग की जो बात है, छोटे बच्चों को हम रंगों के आकर्षण में ले जाते हैं तो वो बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं। मेरा भी निजी अनुभव है, मैंने भी इस चीज को प्रयोग में लिया है। मैं क्लास में कलर्ड चौक इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कोई भी पेंटिंग बनानी है तो, वैसे मैं हिंदी पर्यावरण पढ़ाता हूँ क्लास में, तो उसके अंतर्गत जैसे किसी चीज को समझाना है तो अलग अलग कलर में, जैसे मात्राएं मैं पढ़ाता हूँ तो मात्राओं को कलर में दिखाना, वर्ण को अलग कलर में दिखाना, तो वो बच्चों को बहुत ही अच्छा आकर्षक लगता है। और बच्चे बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि, बहुत अच्छे ध्यान से उस बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास से बाहर जाने के लिए रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। ऐसा अधिकांश होता है ना कि क्लास में काम चलता रहता है और बच्चे बाहर जाने के लिए छुट्टी मांगते हैं। तो मैंने ये चीज अनुभव करी मेरी क्लास में कि जब मैं इस तरह का कार्य करता हूँ, रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से बच्चों का परिचय करवाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे रंगीन चौक में इस्तेमाल करता हूँ या रंग बिरंगे चित्र में इस्तेमाल करता हूँ, तो बच्चे बिल्कुल बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और कार्य भी करते हैं। तो बदेगा जी का ये कहना है कि हम छोटी क्लास में विभिन्न प्रकार के रंगों के माध्यम से हम अपने शिक्षण में उनको जगह दें और हम रंगों के माध्यम से बच्चों को जोड़ें। बहुत ही सुंदर बात कही है, चुगलखोर बालक की भी बात करी है बदेगा जी ने, और इतना कहा है, हम सब जाने चुगली खाना मतलब एक दूसरे की शिकायत करना, लेकिन बदेगा जी का ये मानना है वास्तव में कि जो बालक चुगली खा रहा है, जो आकर के आपसे शिकायत कर रहा है, वो वास्तव में चुगलखोर बालक है, या उस चुगली में कहीं ना कहीं न्यायशीलता छिपी हुई है। वो उस न्यायशीलता के दर्शन होते हैं उस चुगलखोरी में। हमें उसके पीछे तहकीकात करना है, हमें उसका पता लगाना है, और उसके बाद में ही उस बालक को चुगलखोर का, जो जिस चीज की वो चुगली खा रहा है, उसके विषय में हमको पूरा विस्तृत वर्णन उसको लेकर के बच्चों के साथ काम करना है। अर्थात जो बच्चे चुगली खा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी की शिकायत कर रहे हैं, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की न्यायशीलता के भी दर्शन होते हैं। बालक और कहानी, बिल्कुल सर, प्राथमिक शिक्षा में हम बात करते हैं तो सबसे हमारा जो लर्निंग जो रहता है वो कहानी और कविता। कहानी से बच्चा इस तरह जुड़ जाता है कि उसको कहीं बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, वो कहानी में इस तरह डूब जाता है, कहानी को बिल्कुल जीता है। और विद्यालय आने से पूर्व भी वो कहानियां सुनता है, उसके पूर्व अनुभव में वो चीज होती है, अपने माता पिता से सुनता है, नानी दादी से जो कहानियां वो सुनता आ रहा है, वही कहानियां उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से जुड़ी, अगर हम विद्यालय में उसको कहानियां सुनाते हैं तो उसको वजन नहीं लगता, उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं अलग जगह आ गया, उसको ऐसा लगता है कि वही चीज है, कहानी मुझे घर पे भी सुनाते हैं, कहानी मुझे विद्यालय में भी सुनाई जा रही है। तो सिर्फ हमें ध्यान इतना सा रखना है कि हम छोटी क्लास में कहानी के स्तर का ध्यान रखें, उसकी भाषा शैली का ध्यान रखें, और अगर बच्चों के अनुभव से संबंधित ही कोई कहानी अगर हम उनको सुना रहे हैं तो ये बहुत ही सीखने का माध्यम होता है। कहानी, कविता, बाल गीत हम सब करवाते हैं, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कारगर ये मंत्र है, बच्चों की इससे झिझक टूटती है, बच्चे अध्यापक के निकट आते हैं, उनसे अध्यापक का डर बच्चों में खत्म होता है। जो अध्यापक
कहानी सुनाता है, कविता कहता है या बाल गीत करवाता है, बच्चों के साथ में आनंद लेता है, तो उस शिक्षक का बच्चों के प्रति जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और सर ये सिखाने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम बच्चों का डर खत्म करें, बच्चे हमारे साथ जुड़ाव महसूस करें, और जब वो अच्छे से जुड़ जाए हमारे साथ, हमारा उनके प्रति डर खत्म हो जाए, तब हम उनको कहीं जाकर के सिखाने शुरू करें तो वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। व्यक्तित्व विकास की भी बात उन्होंने करी कि हम व्यक्तित्व विकास को कैसे डेवलप करें बच्चों के अंदर, संयम शक्ति, समूह जीवन, सार्थक और निरर्थक, इन शब्दों का अर्थ उनको कैसे समझाएं कि आपके लिए क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है, किस प्रकार से हम सार्थक और निरर्थक, इन सब चीजों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हम काम में। सबसे मुख्य बात है मना करने की निडरता। अगर हम ये चीज बच्चों के अंदर डेवलप कर पाते हैं, बच्चे डरते हैं, डरने से मतलब यह है कि बच्चे अध्यापक के सामने जवाब सवाल जवाब करने से डरते हैं, आज भी डरते हैं, लेकिन बहुत बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अध्यापक जी से मना कर देते हैं। मना करने का मतलब ये स्पष्ट उनका रहता है कि नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, या ये काम मैं कर लूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा, स्पष्ट मना करने की जो उनमें जो ताकत है वो डेवलप करनी है। अगर कोई चीज अगर उनको अच्छी नहीं लग रही है अध्यापक जी की, तो वो बेझिझक मना कर सकता है। इस प्रकार का डर उनके अंदर नहीं होना चाहिए कि वो कहीं अपने डर से वो अंदर से डरे और वो काम को करे, उस काम में सफलता नहीं मिलती। अब मना क्यों करता है बच्चा? क्योंकि हाँ अगर करता है तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है। अब जिम्मेदारी से डरने का मतलब है, हाँ का मतलब जिम्मेदारी, अगर हाँ किसी काम के लिए हाँ कर दिया तो मतलब जिम्मेदारी हो गई उसकी उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की। इसलिए भी ना बोल करके तीसरी कर लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, काम खत्म, यही फुल स्टॉप हो गया, आगे बात नहीं बनती। या फिर एक दूसरा कारण और होता है कि देखा देखी इनकार करते हैं बच्चे कि एक दूसरे वो उसने इनकार कर दिया तो मैं भी इनकार कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें उनको हाँ का वातावरण देना होगा, उनको हाँ करवा करके उसके साथ में काम करना होगा। हर चीज के लिए ना नहीं कर सकते और ना उसी चीज के लिए कर जो आप पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है उस तरह की। अगर मान लीजिए कोई गतिविधि हो रही है और हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तो हम बिल्कुल बेझिझक मना करना सीखें, हम क्लास में भी मना करना सीखें, हम किसी से डरे नहीं, और इस तरह हम बच्चों में डेवलपमेंट करें। सबसे मुख्य बात है बालकों के साथ बातचीत। विजू भाई बधेगा जी कहते हैं कि बालकों के साथ जितना हो सके उतनी बातचीत की जाए। हम जब बातचीत करते हैं बच्चों के साथ में तो हम उसी में बहुत कुछ उनको सिखा रहे होते हैं, चाहे हम ज्यादातर अगर मान लीजिए हम स्वयं से जुड़ी बातचीत करें, बच्चे से खुद से जुड़ी बातचीत करें तो और ज्यादा वो कारगर होती है। जैसे आपने आज क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या अच्छा लगा आपको, कल आपके घर कौन आया, कैसा उसके साथ बिहेव किया, इस तरह की जब बातें अपने मामा, अपने चाचा, अपनी बुआ, इन सब की बातें अगर हम उसके साथ करते हैं तो बच्चा सहज रूप से आपसे वो जुड़ने लगता है। और मेन जो अपना लक्ष्य है कि बच्चे का डर खत्म करना, तो ये संभव होता है बच्चे के साथ बातचीत करने से। जब हम बच्चे के साथ बराबर बातचीत कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो डर से निकलता है। गणित बुद्धि विकसित करने की बात करी है बधेगा जी ने कि बच्चों के अंदर हम गणित की बुद्धि विकसित करें। डर निकालना जरूरी है, अगर हमने डर निकाल दिया तो गणित भी वो सीख ले। मुख्य रूप से डर ही एक ऐसा बिंदु है जो गणित को सीखने से समस्या पैदा करता है। अगर हम डर खत्म कर देते हैं तो ये समस्या पैदा ही नहीं होती है। अगली बात करते हैं बालकों के अंगों की स्वच्छता।
ये हमको छोटे ही बचपन में ही ये चीज हमको बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए, और हम करते भी हैं। हमारा एक ऐसा फिक्स रहता है, एक सप्ताह में एक दिन रहता है कि हम बच्चों की स्वच्छता जांच करते हैं, नाखून चेक करते हैं और कटिंग चेक करते हैं और देखते हैं। तो इस तरह जब हम चेक करते हैं तो उनके अंदर भी ये रहता है कि भाई आज सर चेक करेंगे, तो वो पहले से प्रिपेयर होके आता है, काट के आता है। जो नहीं काट के आता है उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इस तरह उनके अंदर, उनके अंगों की जो स्वच्छता है, उनका एक ऐसा, उनकी चेतना बनती है बचपन से ही, एक आदत बन जाती है। वो बड़े बच्चों की बात वो उनको समझाइश कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के तहत अगर हम ये चीज उनके दिमाग में शुरुआत से डालते हैं कि हमें नाखून रेगुलर काटना है, हमें मंजन रोज करना है, हमें रोज नहाना है, हमें कान की सफाई करनी है, हमें शरीर साफ रखना है, तो इस तरह की बातें अगर हम शुरुआत में ही बच्चे के अंदर डालते हैं तो वो स्थायी हो जाती है, और वो जो आदत है वो जीवन भर चलती है। इसीलिए इन सब की बात जो करते हैं वो शुरुआती क्लासों में हम ऐसी आदतों का विकास करें ताकि वो उसके जीवन को बहुत ही स्वच्छतापूर्ण तरीके से जी सके। दूसरी बात, आगे बात करते हैं बदिका जी, बिगड़ने की बात। जो हम जिनको कहते हैं बिगड़े बच्चे, वो बिगड़े नहीं होते हैं, अर्थात उनके ऊपर कुछ संगति का प्रभाव होता है। उस संगति को हम पहचाने, उसकी तह तक जाएं, ये किन किन के संपर्क में रहता है, विद्यालय में किन बच्चों के साथ रहता है, परिवेश में ये किन लोगों के साथ रहता है, और ऐसा अगर ये व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण को हम जानें। और उस कारण को जानने के लिए हम उसके परिवार वालों से भी मिलें, उसके संपर्क में जो लोग हैं उनसे भी मिलें, तो हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसका जो ये इस प्रकार का व्यवहार है ये क्यों ऐसा हो रहा है, और उसको हम दुरुस्त करें। इस तरह की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, एक बच्चा पहले इनके जमाने की पढ़ाई की बात करते हैं और आज के परिवेश में जो पढ़ाई हो रही है उसकी बात करते हैं। पहले क्या होता था विद्यालयों में, आज विद्यालयों में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। वर्तमान विद्यालय में शिक्षक और पूर्व के विद्यालय का अनुभव इन्होंने शेयर किए हैं कि हम जब थे जब क्या होता था, हमको किस तरह दंड मिलता था, हमसे किस तरह काम करवाया जाता था, और आज देखो आज क्या स्थिति होती है। आज बच्चे को खेल खेल में सब चीजें बताई जा रही है। पहले खेल बहुत कम हुआ करते थे, इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज का जब हम दृश्य देखते हैं विद्यालयों का तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पूरा बदल चुका है ढांचा। आज वो स्थिति हो गई है, बच्चों को दंड नहीं दिया जाता है, बच्चों के साथ बिल्कुल प्रेम से बातचीत की जाती है और उन्हें खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो उसके दोनों के अंतर को भी इन्होंने स्पष्ट किया है। एक बात इन्होंने बहुत मुख्य रूप से कही है कि हम किसी भी छात्र को ये नहीं कहें कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम इस चीज में क्यों नहीं सुधार कर पा रहे हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। बदेका जी तो यहां तक कहते हैं कि ये जो आप ये जो शब्द कह रहे हैं, इस शब्द में आपकी असफलता छिपी हुई है, अर्थात आप पहले भी कह चुके ये बात, जो जिस चीज में भी सुधार करना होता है उस चीज पहले भी आप कह चुके, अर्थात सुधार नहीं हुआ, मतलब आपको बार बार कहना पड़ रहा है। इस तरह कहने से बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक हुक्म देने जैसी स्थिति आती है, और स्वयं की असफलता तो बयां हो ही रही है बेशक, लेकिन बालक पर इस प्रकार के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है और उसमें नकारात्मकता आती है। शिक्षक के प्रति भी नकारात्मकता आती है, पढ़ाई के प्रति भी नकारात्मकता आती है। तो इन सब चीजों को हमको उनको दूर करने के उपायों की खोज करके, उनके समाधान खोजने हेतु उस प्रवृत्ति को हमें बढ़ाना है, और इस तरह के शब्दों को हमें उपयोग में नहीं लेना, ऐसा करके बदिका जी बहुत अच्छा विचार रखते हैं। सौंदर्य प्रेम, ये जो दृष्टि है ये बच्चे में बचपन से ही डाली जाती है। ये दृष्टि कहां से आई होगी, ये चीज वातावरण उसका बहुत उपयोगी होगा। जैसे
शिक्षक एक खोजी प्रवृत्ति उसकी मुख्य है, वो खोजता है हर चीज को। तो इसी प्रकार से बच्चे के अंदर भी प्रकृति से जुड़ाव, सौंदर्य दृष्टि, अब इसको विकसित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर बगीचे में खड़ा करके अवलोकन करके क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी, चित्र के माध्यम से भी हम ये चीज करवा सकते हैं। और नेचुरल वातावरण में भी उसको हम दृश्य दिखा करके, पेड़ों के विषय में, बाग बगीचों में, फूलों में, इस तरह हम उसको दृश्य दिखा करके ये हम सौंदर्य दृष्टि को हम विकसित कर सकते हैं। अवलोकन, छोटे बच्चों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये पुस्तक खासकर से छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है, प्राथमिक वर्ग के लिए, और ये कह रहे हैं कि उनमें अवलोकन की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। अवलोकन, बच्चा गौर से देखना सीखे, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल गौर से देखने की गतिविधियां हमारे बुक्स में भी दे रखी है, जैसे दो वर्ग दो चित्र समान दे रखे होते हैं और उनमें इंस्ट्रक्शन होता है कि भी इनमें 10 अंतर ढूंढिए या 5 अंतर ढूंढिए, इतने अंतर ढूंढ लेगा वो जीनियस, वो इस तरह की जो गतिविधियां होती है ये उनमें अवलोकन करने की दृष्टि को विकसित करती है। अर्थात बच्चा ध्यान से देखना सीखे, उसे क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, किस प्रकार से वो अपने को उसको महसूस कर रहा है, वो सब चीजें अवलोकन की दृष्टि उस बच्चे में हमको विकसित करने के लिए बात करती है। बार बार टोकना, स्वतंत्रता के माहौल में कार्य करने दिया जाए बच्चे को, प्रकृति का वो निरीक्षण कर सके, हाँ बरसात में वो नहाए, मिट्टी में खेले, दौड़े, थके, जब तक उसकी रुचि के अनुसार जो भी कार्य उसको दिया गया है, जब तक वो थक नहीं जाए जब तक वो कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको रुचि का कार्य दिया। अगर उसको रुचि का कार्य मिल गया तो मैं मानता हूं रुकेंगे ही नहीं, आपके रोके ही नहीं रुकेंगे, उनको लगता है ये मेरा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, मैं कीरों की झोपड़िया स्कूल में रहा हूं हंसराज जी सर के साथ में बहुत दिनों, वहां के बच्चे इतने क्रिएटिव, मतलब मैं मना करता था उसके बावजूद भी वो काम करते थे, मैं वहीं रेजिडेंस था मेरा विद्यालय में, तो शाम को भी आ जाते थे, जो काम दिन में पेंडिंग रह गया कि ये इसकी साफ सफाई करनी है या इन इन इस चीज को ऐसे करना है या अपन को क्लासरूम की सफाई करनी है, ऑफिस की सफाई करनी है, तो स्कूल समय के बाद में भी वो उनके जो रुचि का काम था उसको करने के लिए वो वहीं रहते, मतलब जाते भी नहीं थे यूं मान लो आप, और जाते थे तो तुरंत जाकर के अपना खा पिया और वापस आ जाते थे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बच्चों को अपनी रुचि का कार्य दे देते हैं तो वो उसमें अनवरत लगे रहते हैं, उनको न थकान होती है, न उनको भूख लगती है, न उनको प्यास लगती है, सिर्फ शर्त ये होना चाहिए कि उनकी रुचि का कार्य उनको दिया जाए, जिस छात्र की जैसी रुचि है उसके अनुसार उसको कार्य दे दिया, फिर वो कार्य बहुत ही अच्छे गुणात्मक तरीके से पूर्ण होता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, गलती नहीं निकाली बच्चों, कुछ भी किया है बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से वो समझते हैं, कैसे, अब जो भी किया है उसमें कुछ तो अच्छा है, हम उस अच्छे को देख लें बस, अर्थात हमारी जो दृष्टि है वो सही को देखें, बच्चे को इंडिकेट नहीं करें, वो खास तौर से ये बात तो सबसे विशेष ध्यान रखनी है कि हमको सबके सामने तो उसकी गलती को बिल्कुल शो नहीं करना, अर्थात जैसे प्रार्थना सत्र जैसे सत्र होते हैं, प्रार्थना जैसे, ऐसे ऐसे समय में तो बच्चे को बिल्कुल उसकी गलती को नहीं बताएं, अर्थात अगर उसकी वास्तव में अगर ऐसी कोई गलती है और उसके साथ बताना है तो हम उसको अकेले में विश्वास में लेकर के हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर हम सबके सामने बच्चों की गलतियां पर बात करेंगे तो बहुत गलत इसका प्रभाव रहता है, वो धीरे धीरे उन गलतियों को सुधार कर लेते हैं, लेकिन छोटे गलतियां, छोटे जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव पूर्व गलती करते हैं और ऐसा मानते हैं बदेका जी कि वो गलतियां करते 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 एक दिन वो अपनी जो अपूर्णता है उसको पूर्ण कर लेंगे, वो पूर्ण बन जाएंगे, स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है पूर्णता प्राप्त करना, तो वो प्राप्त कर लेंगे, गलतियां हो रही है होने दो, लेकिन काम हो रहा है काम को चलने दो, जो काम हो रहा है उसी के लिए उसको प्रतिपुष्टि दीजिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा,
वो कार्य दूसरे दिन उससे भी अच्छा करेगा। अगर आपने उसकी गलतियों पर टिप्पणी करने लगे, उसकी गलतियों को देखने लगे, तो शायद वो बच्चा दोबारा ऐसा प्रयास नहीं करे। इसलिए हमको गलतियां नहीं देखनी, देखनी लेकिन कम देखनी है। इस तरह नहीं करनी बात कि एकदम सबके सामने उसकी गलतियों को हम जग जाहिर कर दें। अगर हम उसकी गलतियां निकालते हैं तो देखिए हमारे अंदर भी बच्चे का अविश्वास बढ़ता है, बच्चे को हम भी बुरे लगने लग जाते हैं। बच्चे के सामने आदर्श जरूर रखें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी में गलतियां नहीं निकालें। परीक्षा के विषय में भी बधेका जी ने लिखा है, बिना दबाव के और भय रहित वातावरण में परीक्षा ली जाए। लेकिन हमारा सीसी और एसआईक्यू तो अब ये ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं लगता हम कब परीक्षा ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात, और भी अच्छी बात है, बधेका जी भी यही कहते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं लगना चाहिए कि मेरा मेरी परीक्षा हो गई। इस तरह की परीक्षा में हम बहुत अच्छे जो हम चाहते हैं वो निकल करके आते हैं। दो पाठशालाओं का अवलोकन भी अगर संभव हो सके तो हमें बच्चों को कराना चाहिए। शिक्षकों से कहना चाहते हैं बधेका जी कि हमारे स्कूल के बच्चों को हम दूसरे स्कूल में जाकर के दिखाएं, दूसरी स्कूल के बच्चों को हमारी स्कूल दिखाएं, अर्थात उनको अवलोकन करना सिखाएं। वो अपने आप में वो सीखेंगे कि मेरे विद्यालय में क्या अच्छा है, इस विद्यालय में क्या अच्छा है, जो इस विद्यालय में अच्छा है वो मेरे विद्यालय में भी होना चाहिए। इस तरह की भावना उसको उनके अंदर आएगी और अवलोकन करने की जो दृष्टि है उनमें विकसित होगी। छुट्टी बंद एक आर्टिकल, एक नाम है आर्टिकल का, छुट्टी बंद। छुट्टी बंद से बधेका जी ये कहना चाहते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है, बच्चों को बच्चों ने काम नहीं किया या तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम रोक लेते। एक्स्ट्रा टाइम रोकने से मतलब छुट्टी हो गई सबकी और चले गए सब लोग, लेकिन अध्यापक जी हैं और बच्चा भी है, जब तक बच्चा काम नहीं करेगा जब तक उसकी छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा संभवतः कम होता है, लेकिन जो इस आर्टिकल में उदाहरण दिया है मैं उस पर थोड़ा बात करता हूँ। अलग तरह की हम सजा देने की कोशिश करते हैं उसको, अर्थात बच्चे के ऊपर इस तरह का प्रेशर करना, प्रेशराइज करना उसको कि आप ये काम कर लो तब हम आपको फ्री करेंगे, तब आपकी छुट्टी होगी। तो उस समय जो बच्चा उस समस्या से ग्रस्त होता है, अर्थात सारे बच्चे जा चुके होते हैं, उसकी छुट्टी नहीं होती है, उसको काम करना रहता है, लेकिन उसके अंदर वो काम करने की बात को लेकर के तो विचार कम रहते हैं, लेकिन उसके अंदर उस समय नकारात्मक विचार बहुत अधिक आते हैं। वो नकारात्मक विचार शिक्षक के प्रति भी हो सकते हैं, पढ़ाई के प्रति भी हो सकते हैं, विद्यालय के प्रति भी हो सकते हैं, अभिभावकों के प्रति भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि है, इस तरह की जो ये बातचीत है, ये हमको हमारे शिक्षण में प्रयोग में नहीं लेनी है। नहीं लेने से मेरा मतलब यह है कि किसी भी बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि उसको अतिरिक्त समय में कार्य करना पड़े। आगे इसमें लिखा है, मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़कर के सुनाता हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि मेरी पाठशाला में मैं बहुत पढ़ा लिखा पंडित ना हूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैं बालकों के प्रति सम्मान भाव रखने वाला, उनके विकास का अर्थ समझकर उन्हें वातावरण प्रदान करने वाला बनता हूं तो ये मैं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी पाठशाला में मैं बालकों को पढ़ाने या प्रतिपल उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए भले ही दौड़ू न दौड़ू ये चलेगा, लेकिन अगर मैं उनके काम में बाधक बनूं ये बर्दाश्त। अर्थात गिजू भाई बधेका जी कह रहे हैं कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता, अर्थात बच्चे उस तरीके का कार्य अपने आप स्वतः ही करते हुए सीख लेते हैं। एक बात आती है, खिड़की का कांच तोड़ डालता एक बच्चा, और ऐसा होता भी है। मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ है, कीरों की झोपड़िया स्कूल में मेरा एक मोबाइल टेबल से गिर करके टूट गया था। चाहे उसका कारण जो भी हो, उसका कारण कुछ एक बच्ची थी वो, लेकिन जो बात है वो ये थी कि
किसी भी उस कारण की तह तक हमको जाना चाहिए। गिजुभाई बदेका जी ये कहते हैं कि बालक को जब एक कांच की खिड़की का कांच टूटने पे उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस बच्चे के साथ, वो बहुत विचारणीय था। अर्थात इस आर्टिकल से हम यह समझ सकते हैं कि उसको सजा दी जा रही है, जो सजा भुगतने वाला है उसको कम से कम ये बात तो मालूम होनी चाहिए ना कि मुझे सजा किस बात की दी जा रही है। ये कहना चाहते हैं कि हम किसी को सजा दे रहे हैं उससे पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए और उसको भी ये बता देना चाहिए कि भैया तुमने ये अपराध किया है, ये तुमने दंड किया है, ये तुमको दंड मिलेगा, तुमने ये गलती करी है, इसका तुमको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अर्थात उस दंड पाने वाले को ये पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का दंड दिया जा रहा है। अगर ये बात पता होगी तो संभावना है कि अगली बार ऐसी गलती का दौरान नहीं हो। इसके आगे अपने रुचि की बात करिए कि अभिभावकों की रहती है, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन गिजुभाई जी बदेका जी कहते हैं कि बच्चा वही बनेगा जो उससे बनना होगा। अर्थात बच्चे की रुचि जो बचपन में है उस रुचि के अनुसार अगर हम उसके कार्यक्षेत्र को चुनते हैं तो वो सफलताओं की सीढ़ियां बहुत आसानी से और बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा उसमें विकसित हो, बहुत अच्छा विकास करता है। इसके लिए वो कहते हैं कि जो चाहता है वही करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी। बाल वाचन के विषय में उन्होंने ये कहा है, बाल साहित्य भरपूर मात्रा में विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों को देना भी चाहिए। पुस्तकालयों की जो छोटी छोटी पुस्तकें होती है, चित्रात्मक जो कहानियां होती है, वो बच्चों के साथ बांटनी चाहिए। उनसे बच्चे पढ़ना भी सीखते हैं और अनुमान लगाना भी सीखते हैं, उनके दिमाग में मनोमस्तिष्क में बहुत से विचार आते हैं, उन चित्रों को देख देख करके भी आते हैं। तो उन पुस्तकों का हमारे साथ पूरा ऐसा होना चाहिए कि हम उनको समय समय पर दें और उन पर पढ़ना और देखना ही नहीं, उन पर बातचीत भी होनी चाहिए, उन पर थोड़ा विचार भी होना चाहिए। हमारे अंदर रहता है फटने का डर रहता है, किताबें फट जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इन सब चीजों से हमको दूर ऊपर उठना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जब हम बच्चे को स्वयं जिम्मेदार बना देते हैं तो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। और इसके साथ मैं ये पहला चरण जो है आज मैं कुछ 25 के लगभग आर्टिकल्स का मैं आपको चर्चा कर पाया। अंत में मैं एक बहुत ही सुंदर जो बदेका जी की बात मुझे लगी वो मैंने अलग से इसमें नोट करी है और मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। और ये चीज मेरे विद्यालय में जहां मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था उस विद्यालय के एक बोर्ड पर बहुत मोटे अक्षरों में ये लिखी हुई थी। और वो उस जमाने से मैं गिजुभाई बदेका जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक था कि ये बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे होंगे अगर इन्होंने बच्चों के विषय में ऐसी बात कही है। तो आइए सुनते हैं। अध्यापक और छात्रों के बीच अगर हृदय का रिश्ता नहीं जुड़ता, स्थायी आत्मिक संपर्क नहीं बनता, अगर वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं की दुनिया में नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के मन में होने वाली हलचल को नहीं अनुभव कर सकते, तो इसके बिना वह भावनात्मकता नहीं आ सकती जो शिक्षक के उच्च आत्मिक स्तर का अभिन्न अंग है। अर्थात बच्चा और शिक्षक दोनों का जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमने किसी भी प्रकार से उस बच्चे का डर खत्म कर दिया, हमारे प्रति उसको आकर्षित कर लिया, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं हम जो उसको सिखाना चाहते हैं वो पूरा पूरा सीखेगा और गुणात्मक और मात्रात्मक उसमें वृद्धि होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो साथियों इसी के साथ मैं अपना चर्चा का जो समय है वो भी पूरा हो चुका है। अगली चर्चा के लिए दूसरा चरण इसके जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उस पर मैं दोबारा चर्चा के लिए आऊंगा। आप लोग कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं अपना किस तरह का आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्दी। मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे इसके लिए समझा, उचित समझा और मुझे अवसर दिया। और आज की चर्चा को मैं यहीं विराम करता हूं। सभी साथी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें।
मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों से कॉल करके अपना फीडबैक लूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था और कैसा रहा ये मुझे जानना है। बहुत अच्छी बात मुझे लेनी है, जो नकारात्मक बातें हैं वो मुझे दूर करनी है, सुधारात्मक कार्य करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। आप सबके सहयोग की अपेक्षा में और पुनः एक बार अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि मैं जो हूँ आज, जो भी मैं आपके सामने हूँ, छोटा सा हूँ, एक थर्ड ग्रेड का अध्यापक हूँ, लेकिन इन लोगों की बदौलत, इन लोगों ने मुझे एक केआरपी के रूप में खड़ा किया है। बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, अच्छे मार्गदर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंशराज जी सर और एपीएफ वाले तो सर सारे हैं ही, सबका मैं एक बार पुनः धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद देता हूँ और अपनी चर्चा को यहीं विराम करता हूँ। धन्यवाद।